दून एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ एक बार फिर मैं हूं शुभांकर। शुरुआत रुद्रपुर से, जहां बीजेपी के विधायक राजकुमार ठुकराल का विवादों से यूं मानो पीछा ही नहीं छूट रहा। दरअसल फिर एक बार एक वीडियो वायरल हुआ और उसमें विधायक सिटी पेट्रोल यूनिट की महिला दारोगा से उलझते हुए नजर आए हैं। आरोप यह है कि ठुकराल ने महिला दारोगा को न सिर्फ धमकाया बल्कि उसके साथ बदतमीजी भी की है। दरअसल शनिवार को पुलिस ने शराब पीकर बिना हेलमेट लगाए जा रहे एक शख्स को रोका था और उस पर वो पुलिस से उलझने लगा। मामला बढ़ा तो पुलिसकर्मी उसे थाने ले गए और आरोप यह है कि उसकी पैरवी में लोगों के साथ विधायक ठुकराल भी पहुंचे, महिला दारोगा के साथ बदतमीजी की गई। क्या कुछ हुआ ये तस्वीरें देखकर आप भली भांति अंदाजा लगा सकते हैं। अब देखिए, जो विधायक हैं राजकुमार ठुकराल, इनका विवादों से बड़ा पुराना रिश्ता है। दो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं जहां विधायक की दबंगई सामने आई है। दरअसल विधायक ने थाने बवाल किया और उसके बाद विधायक ने महिला दारोगा से बदतमीजी की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पहली तस्वीर जो है, यहां पर ये थाने में हंगामा करते हैं और दूसरी तस्वीर ये कहती है कि ऑन ड्यूटी, अब इस वर्ड को कोट करिएगा, ऑन ड्यूटी वर्दीधारी एक महिला पुलिसकर्मी के साथ इन्होंने बदतमीजी की। शब्दों की जो मर्यादा थी उसको तार तार किया, शब्दों की गरिमा को तार तार किया। अब ये कई सारे सवालों को जन्म देता है, क्योंकि आप अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी को निभा रहा है तो आप अपने खासम खास को बचाने के लिए, उसका पक्ष रखने के लिए आप यूं, एक तो आपको लजना नहीं चाहिए, दूसरी बात अगर आपको लगता है कि आप जायज बात को लेकर लड़ाई करने जा रहे हैं, अपने पक्ष की बात रखने जा रहे हैं, तो ऑन ड्यूटी ऑफिसर से जनता के प्रतिनिधि होने के बाद यूं शब्दों का इस्तेमाल करना शायद जायज नहीं है। जी मीडिया संवाददाता मयंक हमारे साथ जुड़े हैं। मयंक, चाल, चरित्र और चेहरा, ये तीन बातें बीजेपी हमेशा अपने साथ कहती है, लेकिन शायद अब बीजेपी को भी समझना होगा कि राजकुमार ठुकराल को ये तीनों शब्द के मायने नहीं समझ में आते, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। मयंक, आप तक हमारी आवाज आ रही है? चलिए कोशिश करते हैं मयंक से दोबारा हम संपर्क साधने की। हम चाहते हैं कि एक बार राजकुमार ठुकराल की प्रतिक्रिया फिर से सुनाई जाए जिसमें वो उलझते हुए नजर आ रहे हैं। तब तक कोशिश करते हैं मयंक से बात करेंगे और इस बीच ये तस्वीरें भी दिखाते हैं हम आपको। अब देखिए शब्दों की, तो ये दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। हमारे साथ विधायक राजकुमार ठुकराल साहब खुद जुड़े हैं। राजकुमार जी, आपकी पार्टी कहती है चाल, चरित्र, चेहरा, लेकिन तस्वीरों में बड़ी विडंबना है कि विरोधाभास नजर आ रहा है। अब आपको दिखाई देना चाहिए कि दलित महिला की पिटाई हुई है कल इंदिरा चौराहे पर, दलित महिला को लिटा के मारा है, दलित महिला को, और जिन्होंने मारा उनका मैंने विरोध किया है। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है, मैंने किसी पर हाथ नहीं छोड़ा है, लेकिन जिन लोगों ने दलित महिला को सार्वजनिक रूप से, अरे साहब यहाँ पर विधायक जी वो भी देखना चाहिए। विधायक जी सुनिए मेरी बात, विधायक जी सुनिए मेरी बात। ये दलित इमोशनल कार्ड जो है ना, हर जगह आप मत खेलिए, पहली बात। और दूसरी बात, तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रही हैं कि आप महिला पर चढ़ भी रहे थे, बदतमीजी भी कर रहे थे और आपकी आवाज भी हमारे पास है। वर्दीधारी महिला पर, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आप सुनिए, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आपको जनता ने चुना है, बात का विरोध करने का भी सलीका होता है। ये लोकतांत्रिक तरीका है, ये लोकतांत्रिक तरीका आपका है कि आप महिला वर्दीधारी पर चढ़ जाएंगे और सवाल पूछने पर आप दलित कार्ड खेल देंगे। हेलो जी, सवाल पूछने पर आप दलित कार्ड खेल रहे हैं। तस्वीरें हम आपको, आपकी प्रतिक्रिया सुनाएं, आपको शायद याद नहीं होगा, एक बार प्ले करते हैं, फोन मत काटिएगा, आपको सुनाते हैं कि आपने किया क्या वहां पर है, फिर सवाल पूछते हैं। कृपया करके प्ले किया जाए। Yeah.
अब देखिए, विधायक साहब को हमने उनकी आवाज सुनाई जो शायद सभ्य समाज में किसी से उम्मीद नहीं की जा सकती, वो फोन काट कर चले गए। जबकि इस प्रतिक्रिया को सुनाने के पहले हमने कहा था कि विधायक जी जो आपने किया है हम आपको सुनाने जा रहे हैं, आप फोन मत काटिएगा, ये शब्द बोलकर वो प्रतिक्रिया सुनाई गई थी। अब सवाल यही खड़ा होता है कि आप पहले सड़क पर जाकर हुड़दंग करते हैं, एक वर्दीधारी महिला पुलिस अधिकारी पर उसको मारने तक की कोशिश करते हैं, अभद्रता करते हैं, वो भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिसको बीप लगाकर हमें चलाना पड़ रहा है, उस पूरी आवाज को भी हम सुना नहीं सकते क्योंकि वो सभ्य समाज में स्वीकार नहीं है। और जब मर्यादित भाषा में उनसे हम सवाल पूछते हैं तो साहब आकर दलित कार्ड खेलते हैं, अपने लाइन में दो लाइन में 6 से 7 बार उस शब्द का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो एक ऐसा शब्द है जिसके साए में वो छुपने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, हम फिर कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करने की, उनका पक्ष जानने की। हम ये भी चाहते हैं कि दोबारा उन्हें फोन लगाया जाए क्योंकि जनता ने उन्हें चुन के भेजा है, उत्तराखंड की आवाम जो है उनको देख रही है और उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो इस बात को लेकर सफाई दे क्योंकि आवाम ने उनको चुनकर इसलिए नहीं भेजा था कि वो यूं जनता के सवालों से भाग जाए। हम बार बार कोशिश करेंगे, विधायक जी आप फोन पर जुड़िए, आपसे मर्यादित भाषा में हम सवाल पूछ रहे हैं, आप बेजुया अर्मादित काम किया है उसको लेकर सवाल पूछ रहे हैं, आप जुड़िए, इसको लेकर आप जवाब दीजिए क्योंकि दबंगई का जो ये आलम है ये सभ्य समाज में स्वीकार नहीं है। आप जनता के सेवक हैं, काम जनता की सेवा करना है। मयंक हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी, हम विधायक साहब से जुड़ने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, तब तक मयंक से बात करते हैं। मयंक, विधायक जी ने जो किया वो अमर्यादित भाषा में था, उसको हम जनता को पूरा सुना भी नहीं सकते हैं। उन्होंने आकर दलित शब्द का कोट किया, जब प्रतिक्रिया सुनाई फोन काट कर वो चले गए। देखिए ये खास करके माल जो सम्मानित विधायक है भारतीय के और पार्टी के काफी चहेते हैं, चहेते इसलिए कहा जा सकता है कई बार ये अपनी हदें पार करते हुए नजर, लेकिन पार्टी की तरफ से कार्रवाई होती नहीं है और शायद यही वजह इस तरह सामने आ रहे हैं। हालांकि ये पहली बार ऐसा हुआ है जिस मामले में जो उधम सिंह डॉक्टर समझा थे उन्होंने खुद इसका संज्ञान लिया है और मामले में जांच के लिए एक सीईओ को जिम्मेदारी दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो विधायक सत्ताधारी दल ताल्लुक रखते हैं क्या उनके अगेंस्ट कोई जांच जो है वो पास हो पाएगी, क्या उस जांच का कोई नहीं। मैं एक सवाल मेरे जहन में यहां पर आ रहा है कि अगर हम आप या कोई भी सामान्य नागरिक वर्दीधारी पुलिस अफसर को ड्यूटी के टाइम में यूं गाली दे या बदतमीजी करे या हाथ उठाने की कोशिश करे उसको तुरंत हवालात में डाल दिया जाता है, लेकिन क्या अगर आप विधायक बन जाते हैं तो आपको ये सारे अधिकार मिल जाते हैं कि आप किसी को भी गाली गलौज कर दें भले वो महिला हो, वहां पर सब कुछ जायज हो जाता है और फिर आपको जवाब भी नहीं देना है, आप फोन काट कर गायब हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल शुभांकर, ये अजीबो गरीब स्थिति है क्योंकि आप सबसे बड़ी बात है आपको जनता ने चुन के भेजा है, ठीक है आप जनता के प्रतिनिधि हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आम आदमी हो, हम हो, आप हो या फिर कोई कॉमन पब्लिक हो, अगर वो इस तरह कोई हरकत करती है तो पुलिस उसे अंदर करने में एक मिनट से देरी नहीं करती है। लेकिन जिस प्रकार से विधायक जी का जो ये चेहरा सामने है, जिस तरह के वो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हैरान करने वाला है और हैरान करने के साथ ही सवाल भी खड़े करता है कि आप छात्र राजनीति में नहीं है कि आप कुछ भी बोल देंगे और वो बात ऐसे यूं ही निकल जाएगी। चलिए शायद यही बड़ी बात है और शायद ये भी बात है कि विधायक जी को भी समझने की कोशिश है कि अगर आपकी पार्टी पार्टी विथ अ डिफरेंस कहती है आप उसे कार्यकर्ता है तो अपनी पार्टी के संविधान को पढ़ें और उसके उसूलों पर चलने की कोशिश करें क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, बड़ी उम्मीदें आवाम को आपसे है। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड के सबसे बड़े कॉलेज डीएवी पीजी कॉलेज में एवीवीपी ने लगातार 12वीं बार जीत का परचम लहराया है। एवीवीपी के जितेंद्र सिंह बिष्ट ने एनएसयूआई के आदित्य बिष्ट को 593 मतों से शिकस्त दी। वहीं पूरे प्रदेश में एवीवीपी ने एनएसयूआई को कई कॉलेजों में शिकस्त दी है। महासचिव पद पर आर्यन छात्र संगठन के शूरवीर सिंह चौहान ने जीत हासिल की। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा अपने संगठन के लोगों का जिन्होंने एकजुटता का परिचय दिया और मेरे को मेरे लिए दिन रात मेहनत करके मुझे क्या कहते हैं आज इस मुकाम पे पहुँचाया और हम विजयी घोषित हुए आखिरी में। और सभी छात्र छात्राओं को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने बढ़ चढ़ कर मेरे को वोट देने आए, दूर दराज से मेरी छोटी बहनें, मेरे छोटे भाई सब लोग मेरे को समर्थन देने आए और आज मुझे क्या कहते हैं इस मुकाम तक पहुँचाए और हम विजयी हुए।
पहले तो मैं यहाँ पर धन्यवाद करूँगा शिक्षकगण, कर्मचारीगण, मीडिया बंधु और पुलिस प्रशासन जिन्होंने शांत तरीके से अच्छा चुनाव कराया। उसके बाद मैं जो चुनाव लड़े हैं, जो भी चुनाव पदाधिकारी लड़ रहे हैं, जो कोई हार गए, उनसे बोलूँगा निराश ना हो, ये अभी उनके पास बहुत सारे मौके आएंगे। और जिस तरह से 11 वर्षों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस कॉलेज में विजय प्राप्त किए, छात्रों का विश्वास है, प्रगति कॉलेज में जो कार्य प्रगति कर रहे हैं उनसे हम और भी आगे करेंगे, उस प्रगति को और आगे ले जाएंगे। प्रदेश के सभी डिग्री कॉलेजों में जो छात्र संघ चुनाव हुए थे उसके परिणाम आ गए हैं। डीएवी का चुनाव परिणाम आज आ गया है। आपको सुनकर हैरानी भी होगी और आश्चर्य भी होगा कि डीएवी पीजी कॉलेज में 12वीं बार लगातार एबीवीपी ने परचम लहराया है। जितेंद्र, खुशी भी हो रही है, आपके प्रदेश में भी अच्छा प्रदर्शन रहा है? जी बिल्कुल, बहुत खुशी हो रही है। जिस तरह छात्र छात्राओं ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को पूरे प्रदेश भर में विजय बनाया है, उससे साफ दिखता है कि छात्र छात्राओं की विचारधारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रति बहुत ज़्यादा जुड़ रही है। और जिस तरह आगे भी आशा करते हैं कि वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जुड़े और डीएवी महाविद्यालय में अभी लगातार 12वीं जीते हैं, इस क्रम को हम और भी आगे बढ़ाते जाएंगे। अच्छा, 12वीं बार कुछ बदला तो होगा ये डीएवी पीजी कॉलेज, क्योंकि अगर छात्रों का समर्थन एबीवीपी और आप लोगों के साथ है तो कुछ ना कुछ ठीक बेहतर की तरफ बढ़ रहा है डीएवी? जी बिल्कुल, छात्र छात्राओं का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जुड़ना इस बात का ही दर्शाता है कि कॉलेज कैंपस में लगातार कार्य प्रगति पर रहा है और इस साल भी ये कार्य प्रगति और भी आगे बढ़ता रहेगा। हमारे साथ अध्यक्ष और कुछ और छात्र नेता हैं, खास तौर पे पुराने छात्र नेता जो पीछे चट्टान की तरह रहते हैं। आदित्य जी, कैसी लगी आप लोग 12वीं बार यहाँ जीते हैं, एक दर्जन हो गया है और प्रदेश में भी अच्छा रिकॉर्ड रहा है आज? अद्भुत, ऐतिहासिक और निसंदेह छात्रों का राष्ट्र के साथ जुड़ाव। देखिए, दो चीज़ों को जोड़ने के लिए एक कड़ी चाहिए, वो कड़ी छात्र और राष्ट्रवाद के बीच विद्यार्थी परिषद काम करती है। निश्चित तौर से देवभूमि भगवा में हो चुकी है, नक्सलवाद की विचारधारा पर राष्ट्रवाद की जीत है। देश को तोड़ने की बात करने वालों का, समर्थन करने वालों के मुंह पर करारा तमाचा मारा है उत्तराखंड के छात्रों ने, और मैं वादा करता हूं कि ये जीत लगातार बढ़ती रहेगी। जीत बीजेपी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रदेश के जितने भी डिग्री कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव, जो आने वाले समय के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि निकाय और लोकसभा चुनाव की जो जिम्मेदारी होती है इन्हीं कंधों पर होती है। कैमरामैन अमरेश भट्ट के साथ संदीप गुसाई, जी मीडिया, देहरादून। तो हमारे साथ संदीप खुद जुड़ रहे हैं। संदीप, जिस तरीके से यहां पर आपने खुद जिक्र किया कि 12वीं बार ये जीत हुई है, अब ये मान लिया जाए कि बीजेपी की जो जड़ें हैं वो उत्तराखंड में काफी मजबूत हो गई है, नीचे से लेकर ऊपर तक, बीजेपी और उनके संगठनों को मिलाकर। हम कह रहे हैं, देखिए राहुल, देखिए शुभांकर, ये एक ऐसा तिलिस्म बन गया है डीएवी पीजी कॉलेज एनएसयूआई के लिए, क्योंकि वहाँ एनएसयूआई का जिक्र जरूर करना चाहूँगा कि पिछले 12 सालों से, 2006 में इससे पहले एनएसयूआई यहाँ पर जीती थी, उसके बाद से एनएसयूआई अध्यक्ष पद पर नहीं जीत रही है। सबसे पहले जो इनके चेहरों पर खुशी है वो दिखा देता हूँ, ये जश्न मना रहे हैं, होली का एक तरीके से त्यौहार है। अध्यक्ष बीच में, आप देखिए, और पिछले 12 सालों से लगातार इनकी इस पर जीत हो रही है। ये दिखाता है कि जो देहरादून में है, देहरादून में कितनी ताकत लगाता है संगठन, केवल एबीवीपी नहीं बल्कि जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो भी शामिल होते हैं, और इन तमाम चेहरों में कई वो चेहरे हैं जो इससे पहले अध्यक्ष रहे हैं। देखिए, ये अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं और ये पुराने अध्यक्ष हैं, उसके अलावा ये पुराने अध्यक्ष हैं। तो देखिए, 12 के 12 जितने भी अध्यक्ष हैं पूरी ताकत लगाते हैं जो भी प्रत्याशी अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ता है। तो जितेंद्र, एक अच्छी खुशी का है, यहाँ तो आप जीते ही हैं और भी कई जो डिग्री कॉलेज है वहाँ आप लोग जीते हैं, तो आगे किस तरीके से रहें, क्योंकि आपकी जीत आगे आने वाले समय के लिए जो चुनाव लड़ते हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होती है, जैसा आप काम करेंगे आने? जी बिल्कुल, जैसे पूरे प्रदेश भर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने लगातार जीते दर्ज कर रहा है, इससे साफ होता है कि जो छात्र हैं वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हैं। और डीएवी महाविद्यालय की बात करें तो पिछले 11 वर्षों से यहाँ पर हमारे जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और पूरा संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्र हितों के लिए जो काम किया है, कॉलेज में जो कार्य प्रगति पर है उसे हम आगे भी करते रहेंगे और छात्रों को विश्वास दिला देंगे, जो उन्होंने हम पे विश्वास कराया लगातार 12 सालों से, ये उस विश्वास पर हम जरूर खड़े उतरेंगे। संदीप चेहरे हैं, शुभम जो इससे पहले अध्यक्ष रहे हैं, शुभम आप जी जी, एक सवाल हम आप चाहते हैं कि आपके सवालों के साथ एक हमारा भी सवाल पूछ ले कि वो क्या वजह है जो ये 12 साल से लगातार जीत आ रही है, क्या एक तो हम चाहते हैं कि कैसा एहसास है 12 साल लगातार जीतने का, आप लगातार जीत रहे हैं, और क्या वजह मुख्य मानते हैं कि जो लगातार इस कॉलेज में आपको इतना बड़ा समर्थन एक दशक से ऊपर मिला है?
बिल्कुल शुभांकर, बहुत सही सवाल आप कह रहे हैं। शुभम, एक सवाल शुभांकर जो एंकर है वो पूछ रहे कि एक एहसास बता दीजिए कि एक दर्जन किसी भी डिग्री कॉलेज में एक छात्र संगठन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसके पीछे जो वजह है वो क्या है कि आप लोग लगातार जीत रहे हैं? इसमें जैसे कि आप सभी को पता है, विद्यार्थी परिषद पिछले 11 सालों से डीएवी महाविद्यालय में अपना परचम लहरा रही है, और बारहवीं बार भी विद्यार्थी परिषद का एक डायनामाइट जो डीएवी महाविद्यालय में छात्रों ने हमें खुद दिया है, ये छात्र चुनते हैं, ये हम लोग नहीं चुनते, छात्रों का प्यार, और इसने कहीं ना कहीं विद्यार्थी परिषद के कैंडिडेट के साथ रहता है, और उसका 365 दिन कॉलेज में रहना कहीं ना कहीं छात्रों के लिए फलदायी होता है। और 65 दिन आपका भी यही मानना है क्योंकि लगातार आप भी अध्यक्ष रहे और एक के बाद एक बारहवीं बार आप लोग जीत गए? देखिए, हम लोग चाहे हमारे सीनियर्स हों चाहे हम लोग हों, जितने भी हम लोग अध्यक्ष बने हैं अभी तक, सब लोग छात्रों के बीच में रहकर काम करते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पे हर बार 12 वर्षों से इस महाविद्यालय के छात्र छात्राएं विश्वास जता रहे हैं, तभी हम लोगों को जिता रहे हैं, और कुछ ना कुछ हम लोग ऐसे क्रिएटिव काम करते हैं या विकास के काम करते हैं महाविद्यालय के अंदर, कि जो बच्चा हम लोगों को चुनकर आगे भेजता है। तो सुभाकर, देखिए ये जो टॉनिक है एबीवीपी की जीत की, ये बीजेपी को निकाय चुनाव में जरूर मदद करेगी, क्योंकि ये जो यूथ ब्रिगेड है यही सबसे ज्यादा फील्ड में दौड़ता है, सबसे ज्यादा चुनाव के दौरान जो डोर टू डोर हो, कैंपेनिंग हो, जितने भी मुश्किल काम होते हैं वो यूथ ब्रिगेड के कंधों पर होती है, और ये थोड़ी सी राहत सीएम त्रिवेंद्र, अजय भट्ट जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, दोनों के चेहरे जरूर मुस्कुराएंगे क्योंकि पूरे प्रदेश में, और मुस्कुराना बनता भी है क्योंकि बारहवीं बार जीत यूं ही नहीं मिलती है, उसके लिए संगठन से लेकर काम भी करना पड़ता है, तभी आवाम आशीर्वाद देती है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में संत जनरल के नाम से विख्यात रहे महावीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट जनरल हनुत सिंह की समाधि को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। एक महीने पहले 10 अगस्त को संत जनरल की राजपुर रोड में शिव बाल योगी आश्रम में स्थित समाधि को सील कर दिया गया था। अवैध कब्जे की शिकायत पर नगर निगम और प्रशासन ने हनुत सिंह के आवास और समाधि को सील कर दिया था, और उसके बाद अनुयायियों ने एक महीने का अल्टीमेटम दिया था, और उसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से कई अनुयायी देहरादून पहुंचे। इस आक्रोश सभा के जरिए राज्य सरकार को चेतावनी भी दी गई थी। संत जनरल के नाम से भारतीय फौज में जिनका नाम अमर हो गया है, वो संत जनरल के यहाँ पर एक श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। ये हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि 10 अगस्त को पिछले महीने नगर निगम ने जो हनुत सिंह का समाधि स्थल था, जो पूरा आवास था, उसको सील कर दिया है, जो अभी भी सील है, और तमाम राज्यों के लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। आप देखिए लॉर्ड वेंकटेश्वर हॉल में राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पूर्व सैनिक जो हैं वो सब तमाम यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या करना है, आगे की रणनीति तय करेंगे। लोगों ने फरियाद हर जगह करी कि एक संत इसको पाकिस्तान ने नवाजा, उसने फखरे हिंद ताज से नवाजा, जिनको भारत सरकार ने महावीर चक्र दिया, परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया, उस संत की समाधि को जिस तरह से सील किया, उसको पूरा एक महीना होने वाला है। आज 9 तारीख है, एक महीना पूरा हो गया। हम लोग इंतजार में थे कि मुख्यमंत्री जी का सकारात्मक जो रुख रहा था, तो निश्चित तौर से वो संज्ञान लेते हुए नगर निगम को आदेश करेंगे कि ये खोल दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके अनुयायी और आर्मी के ऑफिसर्स, आपने देखे सभी आए हुए हैं, सब ने ये तय किया कि एक बार हम और एक आक्रोश सभा यहाँ हम आयोजित कर रहे हैं, उसके बाद में हम उनको एक महीने का टाइम और देंगे। उसमें अगर वो नहीं होता तो फिर मजबूरन हमें आंदोलन की राह लेनी पड़ेगी, और यही हमारा आज का यहाँ का इस बैठक का मुद्दा है। उनकी भांजी भी हैं, हमारे साथ आई हैं, आप कहाँ से आई हुई हैं और आपको दुख लगा जब ये सुना आपने? बिल्कुल, बहुत ही दुख हुआ, विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसे उत्तराखंड की देवभूमि जो बोलते हैं, इन लोगों ने आज जनरल साहब की समाधि पे टच कराया, हाथ लगाया, बहुत शर्म की बात है। हम लोग अभी भी उनको, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक दो दिन में अगर सील खोल दे ठीक है, बाकी हम लोग वापस आंदोलन करेंगे। संत के लिए अगर नियम थोड़ा बदलाव करना पड़े तो कर देना चाहिए सरकार को। मेरा कहना ये है, हम किससे रक्षित हैं? सेना से रक्षित हैं। ऐसा व्यक्ति जिसकी रक्षा की बदौलत ये देश आज दंभ भरता है कि हमने बांग्लादेश का निर्माण कर दिया, किसकी बदौलत हुआ? यदि जनरल हनुत सिंह जी उन टैंकों को ध्वस्त नहीं करते तो क्या नियाजी आत्मसमर्पण करता? और जनरल ही नहीं, वो संत भी थे, उनके इतने बड़े त्याग को यदि केवल एक छोटे मोटे नियमों को बनाकर कि नगर पालिका ने ये कर दिया, नगर निगम ने कर दिया, बदले ऐसे नियमों को, जब कई नियमों में संसद बदलाव कर सकती है तो क्या राज्य सरकार बदलाव नहीं कर सकती? फिलहाल ये तमाम जितने भी समर्थक हैं यहाँ जुटे हुए हैं, कई राज्यों से हैं, आज मार्च निकालेंगे, और जैसा पहले भी बताया आप समर्थकों ने कि एक महीने का समय दिया जा रहा है सरकार को, उसके बाद बड़ा आंदोलन करने की तैयारी करेंगे।
कैमरामैन अमरेश भट्ट के साथ संदीप गुसाई, जी मीडिया, देहरादून। 18 सितंबर से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं और इस सत्र में अनुपूरक बजट के साथ दो अध्यादेश भी सदन के पटल पर रखे जाएंगे। एक अध्यादेश अवैध बस्तियों से जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरा पूर्व कर्मचारियों के पेंशन से संबंधित है। विधानसभा सत्र के दौरान विधायक सरकार से 1000 सवालों के जवाब पूछेंगे। सरकार के इन सभी सवालों को जवाब देना होगा और एक विधायक ने सदन में पूछने के लिए 150 सवाल लगाए। विधायकों के अधिक सवाल पूछने पर उन्हें निर्धारित किया जा सकता है और इसके लिए एक कमेटी बनाई जा सकती है। 18 सितंबर से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, किस तरह की अभी तक तैयारी है और इसमें कितने सवाल पूछे जाएंगे, किस तरह का विधेयक पास होगा, हमारे साथ में बात करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष जी हैं। सर, अभी तक की क्या तैयारी है? देखिए, मार्च में जो गैरसैंण में सत्र हुआ था और उसके बाद ये सत्र हमारे देहरादून में आहूत हो रहा है 18 सितम्बर से। अभी तक का जो कार्यक्रम है 18 सितम्बर से, 18, 19, 20 और 21, 22, 23 को छुट्टी है और 24 तारीख को भी हमारा सत्र चलने का एक अभी तक जो कार्यक्रम निर्धारित हुआ है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ तैयारियाँ तो हमारी रहती है। आप देखिए कि हमारा पूरा नेटवर्क है, हमारी जो भी इस बीच में हमारे सवाल विधायकगण लगाते हैं उनकी पूरी जानकारी उनको लेना, उनको विभागों को भेजना, वो सारी जानकारी के नाते हम लोग कार्यक्रम के लिए कार्य के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसके साथ साथ विशेष बात यह है कि इस बार ये अनुपूरक बजट भी इसमें आने की संभावना है और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ के जो माननीय विधायकगण हैं, पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, सभी बहुत जागरूक विधायक हैं और मुझे तो खुशी इस बात की हमारे हर सत्र बहुत ही तरीके से बहुत अच्छे चले हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार हमें जो अभी तक क्वेश्चन प्राप्त हुए लगभग 1000 सवाल हमें अभी तक प्राप्त हुए। आखिर में एक सवाल, जैसे पिछली बार का सत्र देखा गया किसी विधायक ने 150 से ज़्यादा सवाल पूछे थे, कुछ इस बार भी लगा है कि बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं? नहीं, सवाल नहीं, वो याचिकाएं लगी थी, वो हमारे एक विधायक ने बहुत सारी याचिकाएं लगाई थी, इस बार भी हैं। और मैंने कहा ना कि 200 याचिकाएं अभी तक हमारे माननीय विधायकगणों के माध्यम से लगी हैं और मुझे ऐसी भी जानकारी है उन्हीं माननीय विधायक जी की भी इस बार याचिकाएँ बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि इस बार हम ये भी कोशिश करेंगे, पिछले वाले सत्र के दौरान भी चर्चा हुई थी और इस बार भी यदि याचिकाएं बहुत ज़्यादा विधायकगण जैसे लगा रहे हैं तो एक नियम समिति हमारी रहती है, उस नियम समिति को भी गठित करने का निर्णय शायद हम इस सत्र में ले सकते हैं ताकि उसमें कुछ एक थोड़ा सा एक नियम बन जाए, एक प्रावधान बन जाए कि एक व्यक्ति इतने याचिका लगा सकता है। अभी तो अनलिमिटेड है, आप जितने भी लगाइए हमें स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि उस क्षेत्र की ज्वलन समस्याओं पर याचिकाओं का एक माध्यम होता है। लेकिन जिस प्रकार से आ रही हैं उनकी जागरूकता का वो परिचायक भी है विधायकगण का, लेकिन फिर भी उसका ज़्यादा समय उसी याचिकाओं पे हम लोग और उस पर जिस प्रकार का पूरा उसका सिस्टम है उससे बनेगा तो बहुत समय उस पर लगेगा। तो उस पर नियम समिति हम गठित करने वाले हैं, उस पर उसके बाद फिर हम इसमें मानक फिर हम तय करेंगे। आगे बढ़ते हैं। राजधानी देहरादून में लगातार डेंगू के डंक का आतंक बढ़ता जा रहा है और अभी तक 39 मरीजों में डेंगू होने की पुष्टि हो चुकी है। डेंगू से हाल ही में एक मरीज की मौत भी हुई थी। बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अब सतर्क हो गया। डेंगू के टेस्ट को लेकर दून अस्पताल में इंतजाम किया गया, 3 घंटे के भीतर डेंगू का टेस्ट किया जा रहा है, यानी 3 घंटे में यह बात साफ हो जाएगी कि मरीज डेंगू से बीमार है या नहीं है। तो उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से आपको रूबरू कराने के बाद इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी आप खबरों में रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।